तो आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ कि मैंने नायका पिंक फ्राइडे सेल में क्या क्या लिया। हाय माय लवलीज, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर फ्लॉसम ट्राइब। जो लोग यहाँ पे नहीं है उनको मैं बता दूँ, माय नेम इज भावना अधिकारी और हम यहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं ब्यूटी, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, हर चीज से रिलेटेड। सो दिस इज वन स्टेप डेस्टिनेशन। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाना मत भूलना। कितना ही टाइम लगता है यार, कुछ सेकंड्स ही लगते हैं, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। मूविंग ऑन, तो मैंने नायका पिंक फ्राइडे सेल से थोड़ी बहुत शॉपिंग करी है, बहुत ज्यादा नहीं करी है इस बार ही। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने नायका पिंक फ्राइडे सेल से क्या क्या परचेज करा है, साथ ही साथ मैं कुछ रिकमेंडेशंस भी दूंगी जो मैंने ओवर द ईयर्स या पिछले कुछ मंथ्स में यूज करे और मुझे पसंद आए हैं। नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट चीज जो मैंने परचेज करी है वो है ये रिकॉइल का हेयर फॉल शैम्पू। ये मुझे इंस्टाग्राम के एक अपने को इन्फ्लुएंसर ने रिकमेंड करा है। जैसे आपको पता है अभी विंटर्स आ ही गए तो डैंड्रफ, हेयर फॉल वगैरह सबको थोड़ा थोड़ा हो ही जाता है। सो अभी तक मैंने इसका एक वॉश करा है एंड अभी तक मुझे ठीक लगा है। ऑब्वियसली हेयर फॉल कंट्रोल एक वॉश में नहीं पता चलता, बट अदरवाइज बाकी सारे एस्पेक्ट्स में मुझे अभी तक ठीक लगा है। सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स आउट, तो मैं आपको जरूर इसका एक रिव्यू दे दूंगी। नेक्स्ट इज ये बॉडी केयर का मॉइस्चराइजर। तो ये जब से आया है तो ऑब्वियसली मैं इसे काफी बार यूज कर चुकी हूँ और ये बहुत ही अच्छा है। मतलब काफी ज्यादा नरिशमेंट और काफी अच्छा मॉइस्चराइजेशन देता है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। इनफैक्ट इसमें लिखा भी है नॉन ऑयली फ्रेश फील, ऑयली टू नॉर्मल स्किन। तो ऑल दो केयर मैं ये बॉडी के लिए ही यूज कर रही हूँ, मेरी स्किन काफी ड्राई हो जाती है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एंड इसकी बड़ी बॉटल थी नहीं अवेलेबल तो मैंने ट्राई करने के लिए छोटी वाली ही ले ली। नेक्स्ट टाइम माइट बी मैं इसकी बड़ी बॉटल भी ले लू। दिस इज रियली एक बड़ी क्यूट सी चीज मैंने ली है, दैट इज स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस। वाई दिस इज क्यूट, लुक एट दिस, मतलब कितना क्यूट ग्लिटरी सा है ये एंड थोड़ा सा कलर भी देता है ये पिंक किश। एंड यू ऑल नो हाउ मच आई लाइक कलर्ड लिप बाम्स, ठीक है, बहुत ही लाइट कलर का पिंक शेड देता है विच इज़ रियली नाइस फॉर डेली वेयर। और इसकी जो बॉडी है दैट इज सो लग्जूरियस, मतलब बैग में कैरी करने के लिए भी कितना मतलब क्लासी सा लगता है ये। और ये काफ़ी ज़्यादा महंगा भी नहीं है, लेट मी टेल यू। सो अगर आप भी मेरी तरह कलर्ड लिप बाम के फैंस हो तो ये वाला ज़रूर ट्राई करना, मॉइस्चराइजेशन भी जाता है और एक स्लाइट टिंट भी आ जाता है लिप्स के ऊपर। अगली चीज़ भी मैंने स्विस ब्यूटी से ही ली है, दैट इज़ स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर। इतनी तारीफ मैंने इसकी सुन ली, आई हैड टू ट्राई दिस। सो ऐसी कुछ शेप में आता है ये एंड दिस पर्टिकुलर कलर सूट्स मी और कंसीलर के हिसाब से काफ़ी सही शेड है मेरे लिए। अगर आप भी मतलब मेरी स्किन टोन के हो या मेरे से मैचिंग है तो आपको चल जाएगा। दिस इज द शेड। अभी तक तो मैंने इंस्टा पे मतलब इसका मेकअप रील मैंने बनाया है तो माइट बी मैं अभी तक डाल चुकी होंगी, तो जाके एक बार इंस्टाग्राम मेरा चेकआउट कर लेना, नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और इन सब प्रोडक्ट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ऑल दो मुझे पर्सनली बायोटिक के प्रोडक्ट इतने नहीं सूट करते पर मेरी फ्रेंड को ये काफ़ी अच्छा लगता है एंड उसने काफ़ी बार मुझे रिकमेंड करा है पर हर बार ही रह जाता है। तो अभी आई एम ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू यूज दिस ऑन माई फेस क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, ऑयली और एक्ने प्रोन है, तो मैं फेस पे नहीं यूज करूंगी ये। मैंने एज लाइक फैमिली का एक वो होता है ना कॉमन क्रीम जो होती है हमारे घरों में, सो एज वो मैंने इसको मंगाया है घर में यूज करने के लिए क्योंकि ये काफी अच्छे डिस्काउंट पे भी मिल रहा था, काफी सस्ता, शायद 50 रुपए की मुझे मिली है। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। नेक्स्ट इज दिस ग्लोबस फेस वॉश। इसमें ग्लाइकोलिक और सैलिसिलिक एसिड है, रिड्यूस एक्ने स्कारिंग, हाइपर पिगमेंटेशन, इनरिच विद एलोवेरा एंड वाइटामिन ए एंड फॉर ऑल स्किन टाइप्स और ये 100 ml है। तो ये जिस प्राइस पॉइंट पे मुझे मिला है उसके हिसाब से तो मुझे इसकी क्वांटिटी बहुत ही सही लगी। मैंने किसी का रिव्यू पढ़ा था इसके ऊपर और मैंने वो काफी टाइम पहले पढ़ा था तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि किसका रिव्यू था वो, तो मैं काफ़ी टाइम से इसको लेना चाह रही थी बट रह जाता है तो अभी फाइनली मैंने परचेज करा है। वंस मेरे फेस वॉश ख़त्म होने ही वाले हैं उसके बाद आई एम गोइंग टू ट्राई दिस और अगर ये एक्ने के लिए वर्क कर जाता है तो मैं डेफिनेटली इसका रिव्यू करने वाली हूँ क्योंकि इसमें ग्लाइकोलिक और सैलिसिलिक एसिड भी है तो मेरे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई है इससे।
नेक्स्ट मैंने लिए ये एले शील्ड की सनस्क्रीन, अंदर से ये कुछ इस तरह की है एंड दिस इज ऑल्सो फॉर ऑल स्किन टाइप एंड डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। SPF 50 है इसमें, UV एंड पॉल्यूशन डिफेंस, लाइट वेट एंड ऑयल फ्री। तो एले शील्ड की जो हमारी दूसरी वाली है उसकी तो आई गेस हम सब ने ही काफ़ी तारीफ सुनी है, बट दिस इज लाइक चीपर वर्जन ऑफ दैट। तो वो काफ़ी महंगी आती है, लाइक 600 कुछ की आती है और ये मुझे 200 से भी कम की पड़ी है। तो लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स आउट, वर्क करती है नहीं करती, और इसके बारे में मुझे थोड़ा और ढंग से पढ़ना पड़ेगा, देन आई विल रिव्यू। अगर मैं YouTube पे भी इसकी वीडियो नहीं डाल पाती, लाइक क्या होता है कभी कभी हम हर चीज़ की वीडियो YouTube पे नहीं डाल पाते, तो मैं Instagram पे ज़रूर अपडेट कर देती हूँ कि दिस इज़ वर्किंग और दिस इज़ नॉट वर्किंग। सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन Instagram ताकि आपको रिव्यूज़ छोटे मोटे जो होते हैं वो वहाँ पे तो एटलीस्ट मिल ही जाएं। ओके सो मैंने कुछ हेयर कलर्स भी मंगाए, पहले ये L'Oreal का और दूसरा ये स्ट्रीक्स का। इस बार मैं सोच रही थी हेयर कलर खुद घर पे करूँ एंड आई वॉन्टेड टू ट्राई समथिंग, तो उसकी वीडियो भी मैं डेफिनेटली डालने वाली हूँ यूट्यूब पे बनाकर। तो अगर आपको देखना है हाउ टू हेयर कलर एट होम एंड ऑल, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब मी। बट उससे पहले मैं बता दूँ, दिस इज़ L'Oreal कास्टिंग क्रीम ग्लॉस एंड दिस इज़ फॉर 199, और शायद मुझे भी ऐसी कुछ पड़ा था, ये ज़्यादा कुछ डिस्काउंट था नहीं इसके ऊपर। और ये इसका छोटा वर्जन है, इसका जो बड़ा वाला वर्जन आता है वो 500 समथिंग का था। लेकिन लेट मी शो यू कि इसके अंदर क्या है, लाइक दिस इज़ द क्वांटिटी। व्हाट इज़ दिस अ जोक, मतलब किसके बालों में ये इतना लगेगा, एंड यू कैन डेफिनेटली सी मेरे बालों में तो ये बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। सो आई एम प्लानिंग टू रिटर्न दिस, मैं बस वीडियो बनाने का वेट कर रही थी कि मैं वीडियो बना के इसको रिटर्न कर दूँ। आई गेस किसी के शोल्डर लेंथ होंगे तो भी उसके बालों पर ढंग से नहीं लगने वाला है। तो अभी मैंने क्या करा, मैंने दोबारा से ऑर्डर प्लेस करा सेल ख़त्म होने से पहले। दिस इज़ इन मीडियम ब्राउन, तो मीडियम ब्राउन इनका बड़े में तो था नहीं, इट वाज आउट ऑफ स्टॉक, तो मैंने दूसरा शेड ऑर्डर करा है। अब उस पर जब वीडियो बनाएंगे तब बात करेंगे, ज़्यादा मैं बकर बकर नहीं करूँगी। नेक्स्ट शेड जो मैंने लिया है स्ट्रीक से, दैट इज़ 7.3 गोल्डन ब्लॉन्ड। दिस इज़ द क्वांटिटी एंड इट इज़ प्रिटी गुड। इसका MRP 160 है, मुझे 120 का ये पड़ा, बहुत अच्छी क्वांटिटी है। मैंने इसको स्ट्रीक्स के पर्पस से ही मंगाया था तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है। इसके साथ एक ब्रश भी आता है और इसके 4-5 कंडीशनर के पाउच आते हैं। वेरियस L'Oreal वाले में तो ओ माय गॉड इतनी कम क्वांटिटी है और इससे ज़्यादा प्राइस ही है। उसमें एक हेयर कंडीशनर का पाउच है, इन्होंने 4-5 दिए हैं, कोई ब्रश नहीं दिया उन्होंने, इन्होंने सब कुछ दिया है और काफ़ी चीप प्राइस में। ऑब्वियसली स्ट्रीक्स की क्वांटिटी वगैरह अच्छी है, बाकी डिपेंड्स कि किसका कलर कैसा टर्न आउट होता है वो बाद में देखेंगे, बट अभी तक तो मुझे स्ट्रीक्स बेटर लग रहा है। लेट्स सी इनके बड़ा बॉक्स जो आता है उसकी क्वांटिटी वगैरह कैसी होती है। ओके सो ये तो सब वो था जो मैंने इस साल खरीदा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो मैंने पहले खरीदा हुआ एंड आई लव देम। सो नंबर वन तो मुझे बोलना पड़ेगा L'Oreal का इनफेलेबल फाउंडेशन। ये मैंने लास्ट नायका सेल पे खरीदा था पिंक फ्राइडे, 1 ईयर तो हो ही चुका है, और रियली सॉरी बट दिस इज़ इन हॉरेबल कंडीशन, क्योंकि मैं ये फाउंडेशन बहुत यूज़ करती हूँ एंड आई पर्सनली लव इट। मैंने अभी भी यही फाउंडेशन लगाया हुआ है एंड आई हैव टू से ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बेस्ट है। मतलब आई नो कि ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है, पर मेरे को लास्ट ईयर भी ये काफ़ी सस्ता पड़ा था। आई एम इन द शेड रोज बेज। अगर आपने नहीं देखा है तो आप लास्ट ईयर वाली नायका पिंक फ्राइडे की वीडियो भी देख सकते हो, मैं इधर लिंक कर दूंगी। और इसमें 24 आवर फ्रेश वेयर लिखा है तो ऑब्वियसली कहीं से भी क्रैकी या पैची नहीं होता है, काफ़ी अच्छे से स्टे करता है। मुझे तो पर्सनली ये फाउंडेशन बहुत पसंद है। अगर आप चाहते हो मैं इसका 24 आवर्स चैलेंज वगैरह लूँ तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट इज L'Oreal का ड्रीम लेंथ हेयर कंडीशनर। आजकल मुझे L'Oreal की चीज़ें काफ़ी पसंद आ रही है, एक्सेप्ट दैट हेयर कलर, बट दिस पर्टिकुलर हेयर कंडीशनर इज़ वेरी गुड। मैंने अभी तक इनका शैम्पू ट्राई नहीं करा है बट ये हेयर कंडीशनर काफ़ी अच्छा है। बहुत एक्सट्रीम क्वांटिटी नहीं लेनी पड़ती, थोड़ी सी क्वांटिटी में काम हो जाता है, चाहे आपके लंबे बाल भी हो। इसमें लिखा है लॉन्ग डैमेज हेयर स्पेशली, सो दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, और काफ़ी अच्छे से कंडीशन रखता है बालों को। इफ़ यू वॉन्ट अ गुड हेयर कंडीशनर चेक दिस आउट, और ये सेल पे भी काफ़ी अच्छे प्राइस पर है। नेक्स्ट इज नायका का पी सेफ,
ऑब्वियसली विथ कोविड एंड एवरीथिंग एंड स्पेशली जब लड़कियों को बाहर जाना होता है तो यार वी नीड अ टॉयलेट सैनिटाइजर. तो मुझे ये नायका वाला टॉयलेट सैनिटाइजर काफी अच्छा लगा, मैं हमेशा कैरी करती हूँ. एंड नेक्स्ट हम सबका फेवरेट पिक्सी ग्लो टॉनिक. इसके ऊपर मैं काफी टाइम से वीडियो बनाने की सोच रही हूँ बट रह जाता है. डेफिनेटली एक वीडियो मैं इसके ऊपर पूरा अच्छे से बनाने वाली हूँ क्योंकि काफी सारी चीजें इंक्लूड करनी पड़ती है विद सच टाइप ऑफ केमिकल एक्सफोलिएशन. तो मुझे पूरा रिसर्च करके अच्छे से सब कुछ नोट डाउन करके फिर ही मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहती हूँ. तो उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए बट सून इनफ मैं इसके ऊपर ज़रूर एक यूट्यूब वीडियो बनाने वाली हूँ. बट दिस इज़ रियली गुड फॉर ऑल दोज छोटे छोटे जो हमारे दाने हो जाते हैं एंड एक्ने एंड ब्लेमिशेस. बट ये नहीं है कि आपने एक बार यूज़ करा एंड हो गया, यू हैव टू यूज़ इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई डोंट नो इफ यू कैन सी और नॉट बट मैंने ये इतना तो ख़त्म कर ही दिया है. नेक्स्ट इज लेयर वाटर गर्ल का मिस्टेक आइलैंड वाटर स्प्लैश. ये फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है. लाइक काफ़ी जो महंगे परफ्यूम्स होते हैं ना एक्सपेंसिव, तो उनकी तरह इसकी फ्रेग्रेंस है. बट दिस एक्चुअली कम्स वेरी चीप, मतलब 200 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस रहता है. बट दिस इज एक्चुअली वेरी गुड, ट्रस्ट मी, एक बार ही ज़रूर इसको ट्राई. परफ्यूम्स में ही बात करें तो मोई फ्रॉम नायका, दिस फ्रेग्रेंस ऑल्सो आई लाइक अ लॉट. दिस वन इज बाइसियस बीसियस, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट. तो दिस इज द फ्रेग्रेंस, मैं नीचे लिंक कर दूंगी. दिस इज ऑल्सो रियली नाइस. मैंने इसलिए ही छोटी हमेशा प्रेफर करती हूँ क्योंकि फ्रेग्रेंस के साथ आप बहुत ज्यादा स्केप्टिक होते हो और फ्रेग्रेंस ऐसी चीज है कि आपको वो वेयर करना पड़ता है काफी देर तक. तो अगर पसंद नहीं आती तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो किसी को देना पड़ता है चीज या उसे वो वेस्ट हो जाती है. तो इसलिए मैंने छोटा वाला ट्राई करा था, ये भी मैं काफी यूज कर चुकी हूँ. तो अगर आपको भी इसमें से कोई फ्रेग्रेंस ट्राई करना है या यही वाला ट्राई करना है तो आई वुड से छोटी वाली ही लेना. नेक्स्ट इज बॉडी शॉप का स्ट्रॉबेरी बॉडी योगर्ट. आई लव दिस, दिस इज सो यम. एक्चुअली में योगर्ट जैसा है एंड यू कैन सी द टेक्सचर, कितना जेली सा है और काफी अच्छा मॉइस्चराइजेशन देता है. चाहे लाइक समर दो या विंटर्स, का मॉइस्चराइजेशन मुझे काफी पसंद है और इसका फ्रेग्रेंस तो इतना यम है, लाइक सीरियसली स्ट्रॉबेरी जैसा लगता है. मुझे बहुत पसंद है ये वाला, वो एक बार ही ट्राई आउट कर लेना अगर आपको कोई बॉडी योगर्ट ट्राई करना है. सो ट्राई दिस वन अगर आपको स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस पसंद है तो. Obviously, I have to say simple hydrating light moisturizer, इसका तो कोई comparison ही नहीं है. आपकी skin type oily combination normal कोई भी हो definitely चल जाएगा. Specially sensitive skin type definitely try this. इतना light है, इतना non greasy है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कुछ लगाया है. And moisturization is bomb, बहुत अच्छी तरह moisturize रखता है skin. मतलब आई एम तो फैन ऑफ दिस, ये मैं डेफिनेटली रिपर्चेज करने वाली हूँ. इनसाइड प्राइमर, तो ये मैंने अभी रिसेंटली ही लिया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे. लाइक जो ओपन पोर्स वगैरह होते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है एंड मेरी ऑयली स्किन है सो दिस इज सिलिकॉन बेस्ड, तो मुझे काफ़ी सही लगता है. और ये है भी ऑयल फ्री वाला, तो पर्सनली मुझे ये वाला काफ़ी अच्छा लगा. काफी ज्यादा महंगा भी नहीं है, 200 रुपीस के आसपास ही है ये वाला. बट नॉट द लीस्ट इज एमकेफिन का बॉडी पॉलिशिंग ऑयल. यू कैन सी ये बॉटल की हालत क्या है एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच आई यूज इट, क्योंकि वो ऑयल के मार्क्स वगैरह रह ही जाते हैं हाउ मच आई क्लीन. तो मैंने काफी यूज करा है एंड आई लव दिस ऑयल. मतलब स्पेशली मुझे विंटर्स में काफ़ी पसंद है क्योंकि स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है. जितना मेरा फेस ऑयली है माय बॉडी इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट, इतनी ज़्यादा ड्राई है. तो उस हिसाब से मेरे लिए बेस्ट है. आपसे आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार ये ऑयल ज़रूर यूज़ करना. इसको यूज़ करने के बाद आपको बार बार लाइक मॉइस्चराइजर कभी कभी जब रीअप्लाई करना पड़ता है, इसको अप्लाई करने के बाद आपको रीअप्लाई नहीं करना पड़ता. आफ्टर द शावर यू कैन जस्ट अप्लाई दिस एंड यू आर डन फॉर द डे. और ये भी मैंने लास्ट ईयर लिया था, मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ और अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है. तो यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट ऑफ क्वान्टिटी. ऑयल है तो स्प्रेड बहुत ईजिली हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी आपको नहीं लेनी पड़ती. So, winters के लिए I would definitely suggest this one. So, guys, those were all the recommendation. ऐसे तो और भी बहुत सारी चीजें जो मैं recommend करना चाहूंगी बट फिर बहुत lengthy video जाएगी और आप लोग पक जाओगे. So, उतना भी मैं आपको नहीं पकाना चाहती हूँ. इसमें से अगर कोई भी चीज़ आपके लिए वर्कआउट करती है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब भी कर देना, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है आपका एक सब्सक्राइब. लाइक एक एक सब्सक्राइबर बढ़ना
मतलब हम मैं तो काउंट करती हूँ एक एक सब्सक्राइबर जब मेरा बढ़ता है एक एक दिन, सो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होती है। तो अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो से कुछ भी थोड़ी बहुत भी हेल्प करती है तो आप एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन तो दबा ही सकते हो। और मैं आगे और भी काफ़ी सारी एक्साइटिंग वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ, तो अगर आपको वो भी देखनी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके चले जाना, क्योंकि मैं हेयर कलरिंग और ये सब भी बनाने वाली हूँ बहुत जल्दी, वंस मेरा बाकी का नायका ऑर्डर आ जाता है जिसमें मैंने दूसरा हेयर कलर मंगाया है। सो गाइज, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड सी यू पीपल एंटिल नेक्स्ट टाइम।